नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 43 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये जानना चाहते हैं कि इनका घर कब बनेगा, हाथ में इनके कौन कौन से कट क्रॉसेस हैं और जो हार्ट लाइन टूटी हुई है उसका क्या मीनिंग है और कुछ शादी के बारे में। अब देखिए, हाथ में अगर हम देखें तो इनके हाथ में अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है और फाइनेंशली काफ़ी ऐसा लगता है ईश्वर की कृपा है और आगे भी जीवन में बनी रहेगी, फाइनेंशियली काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं। हाथ में अगर हम देखें तो एम का चिन्ह अच्छा खासा इनके है और लेकिन यहाँ पर ये हृदय रेखा टूटी हुई है, यानी कि जीवन में अच्छा खासा कुछ होता है कि एम का चिन्ह का फल तो मिलना, लेकिन कुछ जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट होना जिसकी वजह से जीवन में ये कुछ चोट पहुंचना है। देखिए, हृदय रेखा जब भी टूटी हुई होती है तो इंसान के साथ दो तीन चीज़ें होती हैं, या तो किसी से बड़ा धोखा मिलता है, कोई बिट्रेयल, कोई लव से रिलेटेड धोखा मिलना, रिलेशनशिप में धोखा मिलना, या फिर इंसान का कोई हार्ट अटैक जैसी चीज़ होना, इस तरह की, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीज़ें इंसान फेस करता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा इनको बच के रहना चाहिए। अगर हेल्थ इशू अपनी, अगर हार्ट से संबंधित चेकअप कराते रहना टाइम टू टाइम, जैसे 43 इयर्स की एज है तो चेकअप कराते रहना चाहिए और जल्दी किसी पे विश्वास करने से बचना चाहिए। कई बार होता है ऐसे लोगों को रिलेशनशिप्स के मामले में या किसी पार्टनरशिप या कोई अगर किसी के साथ ज़्यादा दोस्ती हो तो कई बार वो अपना दोस्त ही नियर डियर धोखा दे देता है, तो इसलिए ये हार्ट की लाइन में ये इस तरह से ब्रोकन है। अगर इनका हम लेफ्ट हैंड देखें तो वहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, दिखा लेफ्ट हैंड में भी पाम पिंक का है, अच्छा खासा पाम है, भाग्य रेखा बढ़िया है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ये जा रही है, ये देखिए यहाँ पर ये रेखा का टूट जाना है, ये तो ये कुछ इस चीज़ को दर्शाती है। तो जीवन में कोई ना कोई बिट्रेयल, कोई ना कोई ऐसा धोखा जीवन में फेस करना या हार्ट संबंधित दिक्कत फेस करना। अब ये कब होगा, कैसे होगा या हो चुका, इस चीज़ को हम जानेंगे। चलिए अब चलते हैं हाथ में देखते हैं। ये अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है और जैसे कि हमने कहा एम का चिन्ह चार मुख्य रेखाओं से बनता है, देखिए हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा, और इन चारों रेखाओं का अच्छा पार्टिसिपेशन मिलता है तो इंसान जीवन में खुश रहता है। देखिए मस्तिष्क का आपका भरपूर काम करना, यानी कि अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अच्छा पैसा कमाना, पैसा कमाने के साथ साथ एक सेटिस्फेक्शन मिलना, दिल खुश रहना, और साथ में जीवन रेखा यानी जीवन भी काफ़ी संभला हुआ, जीवन सुधरा हुआ जीवन पाना और पारिवारिक खुशियाँ मिलना। अब देखिए कहीं ना कहीं ये जो इनका हार्ट लाइन पे ये ब्रेक है ये इस चीज़ को अफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं एक होता है कि एक समय तक आपको जीवन में खूब खुशियाँ मिली, खूब अच्छा चल रहा है जीवन, लेकिन कहीं ना कहीं एक परेशानी आपको हार्ट संबंधित दिक्कत, जैसे कि हमने कहा हार्ट संबंधित दिक्कत या फीलिंग्स का हर्ट होना, धोखा मिलना, ये चीज़ जीवन में परेशान करेगी, पर ये वन टाइम परेशान करेगी। उसके पहले जीवन अच्छा रहने वाला है, उसके बाद का जीवन भी अच्छा रहने वाला है। अब चलिए हाथ में देखते हैं। तो जैसे पिंक कलर का पाम है, अच्छा खासा पाम होता है, भाग्यशाली बनाता है इंसान को, और साथ में बहुत गिविंग और प्रॉमिसिंग पाम होता है, जो भी इंसान एफर्ट करता है उसका काफ़ी अच्छा फल ऐसे लोगों को मिलता है। हाथ में देखें इनके एक अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है, ये देखिए अगर हम देखें इसको तो ये देखिए अच्छा खासा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ये रेखा बताती है कि इंसान की इंटरनल पोजीशन सॉलिड बनाती है, रुपया पैसा बढ़िया रहता है। इन्होंने एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, अपनी प्रॉपर्टी कब बना लेंगे, देखिए इनको अपनी प्रॉपर्टी अब तक बना लेनी चाहिए थी, फिर भी लेकिन अगर नहीं बनी है इनकी तो अगले 2 साल में अच्छे खासे प्रॉपर्टी के योग जीवन में दिखते हैं। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी अच्छा है, तो सेविंग्स जीवन में अच्छी खासी रहेंगी और पैसा भरपूर जोड़ पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ इनके बताएंगे कि हाथ में अगर हम देखें तो ये देखिए चंद्रमा बहुत बढ़िया है, शुक्र बहुत बढ़िया है, और गुरु बहुत बढ़िया है, और बुध बहुत बढ़िया। जब भी ये चार ग्रह बढ़िया होते हैं हाथ में तो इंसान का जीवन काफ़ी सुखमय होता है और इंसान अपने जीवन में काफ़ी राइज भी करता है। देखिए अगर हम देखें ये चारों अच्छे ग्रह माने जाते हैं, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुक्र, चंद्र और बुध और गुरु,
गुरु इंसान को खूब बढ़िया नॉलेज देता है, बुद्ध देता है, इंसान को दिमागी स्तर बहुत अच्छा देता है, मेंटल लेवल, काम करने की क्षमता, टैक्टफुलनेस देता है। और अगर हम देखें तो चंद्रमा सोचने समझने की शक्ति होती है, इंसान का मन का कारक होता है, सही समय पर सही डिसीजन लेना। शुक्र बताता है कि इन सब चीज़ों से अच्छे सुख सुविधा के साधन मिलना, इंसान का जब जीवन में देखे तरक्की मिलती है, साधन होते हैं सुख सुविधा के, वो तभी होते हैं जब इंसान के पास पैसा होता है। तो ये चारों ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं हाथ में, और मंगल भी इनका बढ़िया है। अगर हम देखें मंगल भी अच्छा है तो प्रॉपर्टी भी बना लेंगे, और जीवन में साहस भी बढ़िया होता है ऐसे लोगों के पास में। हम आगे बाकी जो ये माउंट्स हैं इनको हम डीपली डिस्कस करेंगे वीडियो के दौरान। यहाँ पर देखें तो जीवन में एक बार जो चढ़ाई करी, जीवन का ग्राफ कहता है एक बार चढ़ाई करी, वो इस तरह से चढ़ते चले गए, आगे जीवन में बढ़ते चले गए। अब देखिए हाथ में इनका मैरिज का क्वेश्चन था, मैरिज अब तक इनकी होनी चाहिए थी, अब क्यों नहीं हुई ये एक चीज़ है। हालांकि मैरिज लाइन भी अच्छी है, जीवन साथी अच्छा मिलना चाहिए, जीवन साथी का सपोर्ट भी होना चाहिए और घर परिवार का सुख भी इनको मिलना चाहिए था। अब चलते हैं हाथ में तो इनकी उंगलियों की ओर। तो अगर हम उंगलियों को देखें तो यहाँ पर ये उंगली बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है, और देखिए स्ट्रेट जब उंगली होती है तो ऐसे लोग वर्क इज वर्शिप पे बिलीव करते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, और इंसान ऐसे लोग कर्म ही पूजा है, इस तरह की इनके अंदर भावना होती है। बहुत एक तरह से हार्ड वर्किंग पर्सन्स होते हैं, बहुत काम करके टूवर्ड्स बहुत सीरियस होते हैं, ऐसे केयरलेसनेस ये लोग पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर शायद थोड़ा सा तिल है, देखिए क्लियर नहीं है लेकिन अगर हल्का सा ब्राउन स्पॉट का तिल है तो कई बार होता है कि ऐसे लोगों के जीवन में देखिए या तो बच्चे देरी से होते हैं, और जैसे शादी देर से होना, बच्चे देर से होना, या फिर इंसान कभी भी किसी के लिए भलाई का काम करता है उसके बावजूद भी उसको ताने सुनने को मिलते हैं। अब देखिए हाथ में देखें तो दोनों फिंगर को कंपेयर करें, गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर को, तो सूर्य की फिंगर, गुरु की फिंगर इनकी लंबी है, ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है ऐसे लोगों के अंदर। कोई भी टास्क लेते हैं तो बड़े टीम बना के करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ इनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केयरलेसनेस इनके अंदर नहीं होती है, ये लोग जो टास्क अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके मानते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये छोटी फिंगर फर्स्ट फेरेंस तक आ रही है, ऐसे में इंसान काफ़ी टैक्टफुल होता है, अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानता है, ऐसे लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, साथ ही साथ बड़ा ध्यान रखते हैं, बहुत डीपली हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, बारीकी से देखते हैं, चेक करते हैं, और रिसर्च करने की भावना इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा एक जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं होएंगे तब तक कोई डिसीजन नहीं लेंगे। यहाँ पर हाथ में देखें तो छोटे छोटे झरोका ये दिखता है, एक झरोका, तो ये पैसा खर्च करने की टेंडेंसी को बताता है, अच्छे शानो शौकत से रहना, पंप एंड शो करना, इस तरह की थोड़ी आदत होती है। ये देखिए ये दो इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप है, जब भी इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप होता है तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक थोड़ा सा जो चीज़ सोच ली वो करके दिखानी है मुझे, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। और यहाँ पर देखें तो ये फिंगर थोड़ा सा इधर की ओर झुक रही है, जब भी शनि की फिंगर गुरु की ओर झुकती है तो इंसान को थोड़ा सा ऐसा होता है कि कोई चीज़ सीखने में, कोई चीज़ के लिए पाने में समय लगना, ऐसा लगता है कि जो मैं चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं वो देर लगा रही है, कहीं ना कहीं मुझे मिलने में देर हो रही है, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखी जाती है। तो थोड़ा सा ये चीज़ जब इधर फिंगर इधर की ओर जाती है तो कहीं ना कहीं इंसान के प्रोफेशन में थोड़ा सा डिले कराती है, चीज़ों के मनचाही चीज़ पाने में डिले होना। अब हाथ में एक चीज़ और बताएंगे कि अगर हम इस पाम को देखें तो ये स्क्वायर्ड पाम है, देखिए स्क्वायर्ड पाम है, और स्क्वायर्ड पाम में जब भी स्क्वायर्ड पाम होता है इंसान बहुत मेहनत करता है और मेहनत का भरपूर फल भी पाता है, लेकिन थोड़ा सा जीवन में देरी से आता है, जीवन में शुरू में काफ़ी स्ट्रगल करता है, अपने स्ट्रगल का उसको ऐसा लगता है मेरे को फल नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे लोग जीवन में राइज करते चले जाते हैं, उनको उनकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाता है और अंत तक जीवन के अंत तक मिलता रहता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये देखिए इस फिंगर में यहाँ पर एक गैप है इतना बड़ा, तो ये बुद्ध का काफ़ी अच्छा पार्ट प्ले दिखाती है कि ये फिंगर थोड़ी अलग सोचती है, तो कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर इंसान का बहुत ज़बरदस्त होता है, इंसान अपने दिमाग का पूरा पूरा भरपूर इस्तेमाल करता है, और देखिए यहाँ मस्तिष्क रेखा भी लंबी है, तो अपने दिमाग से तरह तरह के आइडियाज़ डेवलप करना हो, और कहीं ना कहीं इनका दिमाग इतना शार्प होता है कि जैसे कहते हैं ना 24 आवर्स वर्किंग माइंड, खाली नहीं बैठ सकते ये लोग दिमाग इनका ऐसा नहीं होता कि शांत बैठे रहेंगे या खाली बैठे रहेंगे, नहीं खाली बैठे भी होंगे तो सोचते रहेंगे कुछ ना कुछ,
कुछ ना कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव इनके दिमाग में इनके माइंड में चलता रहता है। कुछ इस तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति ये देखे जाते हैं। अब आते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर। देखें इनके हाथ के फिंगर, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि रेडियल लूप है। जब भी ये रेडियल लूप इंडेक्स फिंगर पर मिलता है, गुरु के फिंगर पर मिलता है, इंसान बहुत ज़्यादा एक जज्बा होता है काम करने का, नॉलेज पाने का बड़ा तगड़ा जज्बा होता है और वर्कहोलिक भी होता है। ऐसे लोग दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन अपना काम नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक हार ना मानने की टेंडेंसी होती कि मुझे हार नहीं माननी। हार शब्द क्या होता है, इम्पॉसिबल शब्द क्या होता है, वो मेरी जीवन की डिक्शनरी में नहीं है। ऐसे लोग होता है कि अगर इनसे कोई चीज़ के लिए कह दिया जाए ना ये तुम नहीं कर सकते, फिर तो ये 100% उसको करके दिखाएंगे। और ये उनमें से होते हैं कि कोई चीज़ कैसे नहीं हो सकती, ठीक है थोड़ी देर से होगी लेकिन हो सकती है, ज़रूर हो सकती है, इस तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति ये होते हैं। अब देखिए हाथ में, यहाँ पर देखिए तो उल्टा लूप है। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं बड़ी हिम्मत और साहस के साथ उनसे जूझते हैं और उनको उन कठिनाइयों से अपने आप को निकालने में ये लोग सफल भी होते हैं। अब देखिए ये दो फिंगर्स को अगर हम देखें तो सूर्य की फिंगर पे हमें दिखता है बड़ा अच्छा चक्र। तो ये जब भी चक्र का निशान होता है इंसान अपने प्रोफेशन में बहुत राइज करता है। कोई भी काम करे इंसान, चाहे बिजनेस करे, सर्विस करे, चाहे कोई भी काम करे किसी भी तरह का, लेकिन जब अगर हम देखें तो जीवन में रिटायरमेंट की एज तक आते आते ये लोग काफ़ी ज़्यादा सफल हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये लोग जीवन में तरक्की पाते हैं, नेम फेम मिलता है इन्हें और समाज में अच्छा रुतबा भी बनाते हैं, परिवार का नाम भी रोशन करते हैं। यहाँ पर देखें तो इस तरह से ये उल्लन लूप है। ऐसे लोग देखें जुआ सट्टा इस तरह की चीज़ों से, स्टॉक मार्केट शेयर्स, इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें इनके नुकसानदायक होती हैं। और जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें, ऐसा ना हो कि किसी की बातों में आके पैसा ना दें, नहीं तो वो पैसे का नुकसान भी जीवन में झेलना पड़ता है। अब देखिए ये तो हमने चारों उंगलियों पर चिन्ह देखे, अब चलते हैं इनके अंगूठे की ओर, देखें अंगूठा क्या कहता है। अब राइट हैंड के थंब पे अगर हम देखें तो इस तरह का उल्लन लूप दिखता है। तो ऐसे लोग अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, परिवार का ध्यान रखना, परिवार के लिए काफ़ी डिवोटेड रहना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। काइंड हार्टेड होते हैं, मतलब एक इनके अंदर टेंडेंसी होती है अपने परिवार से बहुत प्यार करना, अपने घर परिवार वालों के लिए बहुत कुछ करना, उनके लिए एक तरह से बड़े इनके दिल में प्यार और लगाव देखा जाता है। यहाँ पर देखें तो अंगूठे में विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है। ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है तो काफ़ी उभार लिए हुए, देखिए अगर देखें सेंटर पोर्शन में बहुत उभार है, तो ये चीज़ अंगूठे को मजबूत बनाती है, अंगूठे में बल देती है कि काम करने की क्षमता, सक्सेस पाने की क्षमता देती है। यहाँ पर देखें तो लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका अच्छा है। और अगर हम देखें हाथ में तो बच्चों की रेखा भी दिखती है। और यहाँ पर देखें तो अंगूठा अगर हम देखें तो पीछे की ओर बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा होता है कि हर एनवायरनमेंट में थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत आती है और कई बार अपने जिद्दी स्वभाव भी होता है ऐसे लोगों का, थोड़ा सा इन लोगों को उस अपने व्यवहार की वजह से परेशानी भी उठानी पड़ती है। अब अगर हाथ में आते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें राइट हैंड में हमने एक चक्र देखा और एक रेडियल लूप भी देखा और बाकी हमने उल्टा लूप देखे। तो चलते हैं अब लेफ्ट हैंड की ओर। लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर भी हमें इस तरह का उल्टा लूप दिखता है। तो जैसे कि राइट हैंड में था कि अपने परिवार के टुवर्ड्स डिवोटेड होना, काइंड हार्टेड होना, समय समय पर मदद करना, इस तरह की इनकी टेंडेंसी देखी जाती है। और देखिए जब भी अंगूठा जो होता है हमारे हाथ का पूरा समावेश होता है, पूरे हाथ का एक जैसे कहना चाहिए समराइजेशन होता है। जितना ज़्यादा मजबूत अंगूठा होगा उतना ही इंसान अंदर से स्ट्रांग होगा, बलशाली होगा, जीवन में सक्सेस उसको मिलेगी। और जितना कमज़ोर अंगूठा होता है, कमज़ोर से ये मतलब नहीं है मासल या फ्लफी या फ्लफी, ऐसा नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा पॉइंटेड बढ़िया अंगूठा होता है उतना ही जीवन में सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। अंगूठे की लॉजिक पावर कैसी है, विल पावर कैसी है, ये सब चीज़ें बताती हैं कि इंसान के अंदर खुद क्या चल रहा है, इंसान में खुद कितना टैलेंट और क्रिएटिविटी है, इंसान अपने भाग्य से कितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। भाग्य जैसा होता है कि हाथ में रेखाएं तो बहुतों के पास है लेकिन ये उसमें से कितना निकाल सकते हैं, कितना अपने आप से कर्म के द्वारा अपने कर्मों से चीज़ों को शक्तिशाली बना सकते हैं। अब देखें हाथ में चलते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर।
देखिए यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, यहाँ पर भी उल्नर लूप दिखता है, और ऐसा उल्नर लूप जब भी होता है तो सॉरी रेडियल लूप जब भी होता है, इंसान अपने जीवन में देखिए बहुत वर्कहॉलिक होता है, जैसे कि हमने राइट हैंड में देखा है इस चीज़ को, और इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एक होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जैसे केयरलेसनेस, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह की चीज़ों को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यहाँ पर देखिए कि ये उल्नर लूप है, जैसे कि हमने राइट हैंड में देखा था कि इंसान अपने जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में उनका डट के सामना करता है और उनसे अपने आप को बाहर निकालना, उनसे अपने आप को निकाल कर अपने सफल बनाता है जीवन में। यहाँ पर देखें हाथ में सूर्य की फिंगर पर तो हमें दिखता है एक चक्र का निशान, देखिए बड़ा अच्छा चक्र का निशान है। तो जैसे कि हमने राइट हैंड में देखा कि चक्र का निशान जीवन में इंसान को सफल बनाता है, नेम फेम दिलाता है और काफ़ी ज़्यादा तरक्की दिलाता है, और जब तक ये 60 साल की उम्र तक आते हैं तो काफ़ी अच्छा समाज में रुतबा भी बना लेते हैं। यहाँ पर देखें तो ये उल्नर लूप दिखता है, स्टॉक शेयर मार्केट सट्टा जुआ इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम 10 उंगलियों का समावेश निकालें तो हमें सूर्य की दोनों फिंगर्स पर हमें इनके उल्नर चक्र के निशान मिले, दोनों इंडेक्स फिंगर में यानी गुरु की फिंगर में हमें मिले रेडियल लूप, और बाकी 3 उंगलियों में 3 लेफ्ट हैंड की 3 राइट हैंड की हमें मिले उल्नर लूप। तो अगर हम देखें तो दोनों सूर्य की फिंगर पे चक्र का निशान इंसान को बहुत तरक्की दिलाता है, अगर सर्विस करते हैं तो सर्विस में बहुत अच्छे ओहदे पे दिलाता है, कई बार ऐसे लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं, या कई बार होता है कि इंसान एक ऐसी जॉब में होता है जहाँ पर इंसान को काफ़ी ज़्यादा तरक्की के योग बनते हैं, और इंसान अपने जीवन में अपने समाज में अपने पेरेंट्स अपने फैमिली मेम्बर्स में एक उदाहरण भी बनता है। और अब देखते हैं हाथ में माउंट्स की ओर चलते हैं, माउंट्स देखें इनके हाथ के क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें गुरु का क्षेत्र अच्छा खासा है, और कई बार ऐसे लोग खाने पीने के शौकीन भी होते हैं, और देखिए थोड़ा सा ये फ्लैट दिखता है गुरु का पर्वत, बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए नहीं है तो ये फ्लैट दिखता है। तो कई बार होता है ऐसे में जैसे अगर हम हाथ की बनावट देखें तो इंसान अपने घर परिवार से दूर दिखाई देता है, और कई बार होता है अपने इंसान घर परिवार को अपनी जो होम टाउन है उसको मिस करता है, अपने जो फैमिली है फ्रेंड्स हैं भाई बहन उनको मिस करने की टेंडेंसी दिखती है। यहाँ पर ये एपेक्स का चिन्ह दिखाता है कि इंसान को नॉलेज गेन करने का बड़ा शौक़ होता है, और इंसान तरह तरह से नॉलेज गेन करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपने फील्ड की नॉलेज बहुत ज़बरदस्त इनके अंदर देखी जाती है। यहाँ पर देखें हाथ में तो एक मछली का चिन्ह यहाँ दिखता है, ये देखिए इस प्रकार से मछली का चिन्ह दिख रहा है। ओल्ड एज लग्जूरियस बनती है ऐसे लोगों की, ओल्ड एज में सब तरह के सुख सुविधा के साधन इनके पास देखे जाते हैं। और यहाँ पर देखें यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है जो देखिए इनको हिम्मत और साहस देता है, इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी देता है जो कि इंसान को समय प्रॉब्लम्स से ना घबराना, प्रॉब्लम्स में समझदारी से काम लेना, इस तरह की चीज़ दर्शाता है। और हाथ में देखें यहाँ पर भाग्य रेखा कुछ इस तरह से चल रही है, ये देखिए यहाँ पर आना भाग्य रेखा का इस तरह से, तो ओल्ड एज में भी इनकम का स्रोत बने रहना। यहाँ पर देखें तो ये देखिए इतनी अच्छी विद्या रेखा है, तो जीवन में अच्छी पढ़ाई करते हैं ऐसे लोग। और इनके अंदर एक चीज़ और होती है कि कई बार होता है कि इंसान जैसे कि पढ़ाई खत्म हो गई, कॉलेज खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ये लोग ज्ञान बटोरने में लगे रहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ नॉलेज का हमने देखा कि नॉलेज बढ़ाना, यहाँ पर तरह तरह के ज्ञान बटोरने की इनको आदत होती है इनके अंदर, और अच्छी भी आदत है इंसान के अगर नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा रहता है, जैसे कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और पढ़ा हुआ ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, इस तरह की सोच वाले ये व्यक्ति होते हैं। और यहाँ पर देखें हाथ में तो देखिए सूर्य माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है, जब भी ऐसा दबा होता है सूर्य माउंट तो इंसान को देखिए आंखों का चश्मा होता है, पिता से दूरी, पिता से मतभेद, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, और थोड़ा सा ऐसे लोगों को नर्व्स की दिक्कत आगे जीवन में देखने को मिलती है। जैसे इन्होंने हेल्थ इशू का क्वेश्चन पूछा था, ऐसे तो फिलहाल हेल्थ इशू जैसे हार्ट का सिर्फ हमें दिखता है आगे, बाकी अगर जो नर्व्स से रिलेटेड चीज़ें जैसे होता है नसों की प्रॉब्लम होना या घुटने में दर्द होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, या नसों का कमज़ोर हो जाना बॉडी की, इन्होंने पूछा था तो इसलिए हमने बता दिया कि इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए सूर्य की रेखा इस तरह से बन रही है, ये कुछ इस तरह से ये आकृति ले रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं बनी है, छोटी छोटी रेखाएं हैं, यहाँ से भी कुछ रेखाएं निकल रही हैं, तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की ओर भी इशारा करती हैं, और हो सकता है ये आगे जाके त्रिशूल नुमा चिन्ह भी बन जाए,
देखिए, हो सकता है साल दो साल में ये त्रिशूलनुमा चिन्ह भी बन सकता है, और हो सकता है कि ये ऐसे ही देखिए त्रिशूलनुमा चिन्ह का रूप ले ले। यहाँ पर देखें तो ये 55 वर्ष के बाद जीवन में काफ़ी ज़्यादा नेम फेम दिलवाता है, ऐसा समाज में मान सम्मान इज्जत दिलवाना, इस तरह की चीज़ ये इंडिकेट कर रहा है। अब आते हैं हाथ में यहाँ पर बुद्ध पर्वत की ओर। बुद्ध पर्वत काफ़ी बढ़िया है। बुद्ध पर्वत को अगर हम देखें तो बुद्ध पर्वत देखिए और एपेक्स का चिन्ह है। अपनी बात अच्छे से कहना, कॉन्फिडेंस के साथ कहना, इस तरह की इनके अंदर आदत है। ऐसे लोग कई बार एकदम स्पष्टवादी होते हैं, यानी कि साफ बोलने की आदत होना, और कई बार इस वजह से लोगों के बुरे भी बनते हैं लोग। और अपनी कोई दिल में बात ना रखना, सीधा कोई भी बात है तो साफ मुंह पे बोल देना। और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि ये देखिए बुध जब इतना अच्छा होता है तो इंसान कई बार देखिए फाइनेंस में काम करना, टेक्नोलॉजी में काम करना, या मीडिया इस तरह की चीज़ों में काम करना, और ऐसे लोगों का कई बार ज्योतिष विद्या की तरफ भी रुझान होता है, ज्योतिष विद्या में इंटरेस्ट होना, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें हाथ में ये थोड़ा सा यहाँ रेखा हल्की हो रही है, और ये रेखा अच्छी है, बुध रेखा अच्छी है। ऐसे लोग कई बार देखिए अपना काम भी करते हैं, कंसल्टेंसी वर्क करते हैं कई बार, या होता है कि इंसान को शौक होता है लोगों को राय देने का, लोग इनसे राय मांगने आते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जीवन में, एक्सपीरियंस होता है। और देखिए थोड़ा स्वास्थ्य रेखा की तरफ से बात करें, स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं इनसे, तो पेट संबंधित गड़बड़ी दिखाई देती है, पेट गड़बड़ रहना, या पेट में थोड़ा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें इन्होंने जो इस तरह की जब रेखा होती है तो कई बार इंसान अपने जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम करता है। कई बार होता है कि इंसान दूसरों को अच्छी राय देना, और दूसरों को जो कोई अगर नर्वस हो रहा है या जो कोई अगर इंसान थोड़ा लो फील कर रहा है तो उसको कैसे अच्छी राय देकर उसको आगे बढ़ाना, इस तरह की टेंडेंसी भी इनके अंदर देखी जाती है। अगर हम हाथ में देखें एक इनका प्रश्न था बिजनेस से रिलेटेड, तो बिजनेस के योग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखते हाथ में। अगर हम देखें हाथ में तो यहाँ पर रेखा कमज़ोर हो रही है। अगर इन्होंने बिजनेस की कोशिश कर रहे होंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा लगता है 45 to 50 के आसपास ये थोड़ा सा ये कमज़ोर हो रही है कहीं ना कहीं। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मंगल पर्वत की देखें, मंगल पर्वत अच्छा खासा है इनका, अंदरूनी मंगल भी बहुत बढ़िया है और बाहरी मंगल भी बहुत अच्छा है इनका। ये देखिए तो यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल इनका जो है, भारी मंगल देखें तो भारी मंगल इनको हिम्मती और साहसी बनाता है, रिस्क टेकर भी बनाता है। और अगर ये देखिए यहाँ पर ये अंदरूनी मंगल देखें तो अंदरूनी मंगल अंदर से बहुत बोल्ड बनाता है। ऐसे जब भारी दोनों मंगल अगर इनके जब हैवी होते हैं, इंसान मांगलिक होता है कई बार, और कई बार होता है कि इंसान के अंदर गुस्सा तेज होता है, और कई बार इस वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ता है। थोड़ा सा ऐसे जो लोग होते हैं कई बार होता है कि जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, या कई बार होता है कि थोड़ा सा कि नहीं नहीं मुझे करना है मुझे करना है, थोड़ा सा इस वजह से डिसीजन लेने लगते हैं, तो थोड़ा सा डिसीजन सोच समझ के लें। प्रॉपर्टी वाइज देखें तो ऐसे लोग अच्छी प्रॉपर्टी जीवन में बना लेते हैं, मंगल सपोर्ट करता है, जीवन में प्रॉपर्टी भी बन जाती है। और यहाँ पर देखें तो एक मुझे छोटा सा स्क्वायर दिखाई देता है, देखिए यहाँ पर ये छोटा सा एक स्क्वायर दिखता है, तो अपना घर बनने की ट्रेंड दिखता है। और अगर हम देखें यहाँ पर एक खर्चे का था इंडिकेशन 38 के आसपास, और आगे देखें आगे भी 45-46 के आसपास एक खर्चे का योग दिखता है, तो हो सकता है ये घर खरीद लें उस समय। अब हाथ में देखें यहाँ पर देखिए चंद्र पर्वत की ओर चलते हैं, अच्छा खासा चंद्र पर्वत है। ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग का भी शौक होता है कई बार, और बहुत इमोशनल भी होते हैं, किसी का दुख दर्द नहीं देख पाते ऐसे लोग। और ये देखिए ये इस तरह की रेखाएँ ये कहीं ना कहीं इंसान को खूब अच्छी ट्रैवल कराती हैं और जीवन में खूब यात्रा करवाती हैं। यहाँ पर देखें हाथ में तो भाग्य रेखा इधर से निकल रही है, तो कई बार होता है कि आप घर परिवार से दूर रह के तरक्की पाते हैं, अपने होम टाउन से दूर रह के तरक्की पाना, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। और कई बार इंसान का विदेश से संबंध होता है, या विदेश से किसी तरह से इनकम का सोर्स होना, या फिर इंसान जीवन में घर परिवार से दूर रह के अपने होम टाउन से दूर रह के तरक्की पाता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो इनका शुक्र पर्वत देखें, यहाँ पर भी देखिए घूमने की रेखाएँ आ रही हैं,
यात्रा जीवन में खूब करवाएंगी इनकी रेखाएं। और यहाँ से भी एक रेखा आके इधर मुड़ रही है और इधर जुड़ रही है, तो ये भी जीवन में काफ़ी यात्रा करवा देती हैं। अब आते हैं शुक्र पर्वत की ओर। शुक्र पर्वत को देखें तो अच्छा खासा बढ़िया शुक्र पर्वत है। ऐसे लोगों को पहनने ओढ़ने का बड़ा शौक होता है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड आइटम, महंगी चीज़ें, महंगी एक से एक आइटम इनको लुभाती होंगी। और ऐसे लोग बड़े सजने सजने के शौकीन भी होते हैं। कई बार होता है कि जेंट्स लेडीज़ हैं तो ज्वेलरी का शौक होना, अच्छे अच्छे कपड़ों का शौक होना, और जेंट्स हैं तो जेंट्स को भी कई बार इस तरह के शौक देखे जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए लग्जरियस लाइफ की लाइन भी दिखाई देती हैं एक से एक। इनके पास पैसा होना चाहिए, बाकी ये खूब अच्छे ऐशो आराम से जीने वालों में से हैं, होते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर देखें हाथ में एक रेखा इस तरह से आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं पारिवारिक सपोर्ट दिखाती है जीवन में, किसी फ्रेंड, किसी भाई, इस तरह का सपोर्ट जीवन में दिखना, इस तरह की टेंडेंसी दिखती है। और परिवार वालों का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब आते हैं हाथ में इनके लाइंस की ओर, देखें इनके हाथ की लाइंस क्या कहती हैं। यहाँ पर देखें तो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा काफ़ी आगे तक जुड़ रही हैं, तो अपने परिवार की बहुत बात मानना, अपने परिवार से जुड़े रहना, अपने परिवार का बहुत रेस्पेक्ट, मान सम्मान करना, एक तरह से आदर्शवादी होना, परिवार के टुवर्ड्स एक आदरणीय होना। और ऐसे में कई बार होता है कि इंसान को अपनी इच्छाओं का मन भी मानना पड़ता है। कई बार होता है कोई काम का मन नहीं है लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं तो वो करना पड़ेगा, या परिवार वालों ने अगर मना कर दिया और आपका बहुत मन है तो भी आपको उस चीज़ का मन रखना पड़ता है। यहाँ पर देखें हाथ में तो ये देखिए यहाँ पर एक रेखा इस तरह से कट कर रही है, तो बचपन में कोई चोट वोट की ओर इंडिकेट करती है। बाकी यहाँ से इस तरह से उन्नति की रेखा निकल रही है, तो अर्ली एज में, ये देखिए अर्ली एज में किसी तरह का कोई लाभ भी दिखाती हैं। यहाँ पर देखें तो एक रेखा ने इस तरह से कट किया हुआ है, तो ये करीब 25 वर्ष के आसपास का समय दिखता है। और कोई बहुत पारिवारिक समस्या या कोई बड़ा मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिखाई देती है। अब आते हैं हाथ में, यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इनके तो ये इस तरह से ये समस्या दिखी हमें, उसके बाद भी यहाँ पर देखिए ये इस तरह से रेखा का कट होना, तो ये 28 वर्ष के आसपास दिखता है, ये कुछ 30 वर्ष के आसपास भी दिख रहा है, और ये देखिए यहाँ पर ये 33 के आसपास अगर हम देखें तो इसको, इस तरह से तो ये बार बार कट्स का इंडिकेशन हो रहा है। यहाँ पर देखें तो इस रेखा को ये इस तरह से जा रही है, इसका घेराव काफ़ी हद तक मंगल और शुक्र का बहुत ज़्यादा घेराव ले रही है। तो जीवन में अगर देखें जाए तो शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत जैसे सजने धजने का शौक होता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी, लग्जरियस लाइफ चाहिए, कुछ भी हो जाए मतलब, लेकिन कम्फर्ट इनके लिए मेन है। अगर ऐसे लोग के घर जाके देखेंगे तो कम्फर्टेबल चीज़ों से भरा हुआ होता है घर इनका। और यहाँ पर एक ये रेखा इस तरह से निकलना, तो ये कहीं ना कहीं 40 वर्ष के आसपास कोई ना कोई गेन कराना, इस तरह की चीज़ दिखती है। 40-42 के आसपास कोई गेन होना, इस तरह का कोई प्रमोशन मिलना, कोई गेन होना, इस तरह की चीज़ 40 वर्ष के आसपास दिखता है। उसके बाद भी देखें तो रेखा एकदम साफ स्वच्छ चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और यहाँ पर देखें तो ये भाग्य रेखा भी अच्छी खासी चल रही है जीवन के। अगर हम देखें तो यहाँ पर करीब 20 वर्ष के आसपास से भाग्य रेखा शुरू हो रही है। तो अगर हम देखें तो बचपन में थोड़ा दिक्कतें इन्होंने देखी होंगी, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो बचपन में ये देखें इस तरह की कट्स ये दिख रहे हैं, तो ये बचपन में कुछ दिक्कत परेशानी दिखाती है। भाग्य रेखा जब यहाँ से शुरू होती है तो 20 वर्ष के आसपास से इंसान का भाग्योदय होता है, और यहाँ से चलते चलते ये देखिए 38 के आसपास एक कट आया है, और एक कट आया है 24 के आसपास, और एक कट आया 36 के आसपास, और एक 38 के आसपास कट है, और यहाँ पर एक कट देखिए छोटा सा कट है, तो ये कट दिखता है हमें 46 के आसपास। और उसके बाद देखें तो बिल्कुल भाग्य रेखा सीधी साफ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इन कट्स ने इनको परेशान नहीं करेंगे बिल्कुल, फिर भी सही सीधे चलते रहेंगे, भाग्य रेखा डिस्टर्ब नहीं हो रही है। तो मॉनेटरी इनकम अच्छी बनी रहना, मॉनेटरी इनकम जीवन में सही चलते रहना। अब आते हैं मस्तिष्क रेखा की ओर। मस्तिष्क रेखा देखिए काफ़ी चीज़ें बताती है हाथ में। यहाँ पर देखें तो बहुत डिस्टर्ब है, यंग एज में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशानी, बहुत स्ट्रगल, बहुत मेंटल टेंशन, पारिवारिक समस्या, इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर देखें तो 35 से 45 तक ये कुछ इनको जैसा होता है किसी किसी को स्ट्रेस लेने की आदत होती है, इस तरह की चीज़ दिखती है।
थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि 50 के आसपास थोड़ा सा फिर से कुछ स्ट्रेस। कई बार होता है इंसान अपने जीवन में सोचता है अरे मेरा ये काम कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं ओल्ड एज कैसी रहेगी, इस तरह की थोड़ी सी स्ट्रेस लेने की आदत, या इंसान का अपने काम के टूवर्ड्स होता है। कई बार जेंट्स लोग के हाथ में ज़्यादा दिखता है ये होता है अपने प्रोफेशन को लेकर थोड़ा टेंशन में आ जाना, कोई ज़रा सी परेशानी हुई ऑफिस में तो उसको लेकर घबरा जाना, इस तरह की चीज़ें दिखती है। फिर भी मस्तिष्क रेखा कंटिन्यूएशन में चल रही है, ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर देखें आगे, देखिए 45 के बाद एकदम साफ सुथरी स्वच्छ रेखा चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर हार्ट लाइन में देखें तो ये देखिए ब्रेकिंग पीरियड, ये कुछ दिखता है 50 के आसपास, ये देखिए 50 के आसपास का समय है। उससे पहले अगर हम रेखा देखें साफ स्वच्छ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन ये समय थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। ये कई बार होता है कि जब इस तरह की चीज़ें हाथ में चलती हैं तो कहीं ना कहीं किसी से धोखा मिलना, कोई दुख परेशानी मिलना, इस तरह की चीज़ें, ऐसा लगता है कि कोई पैसा रुपए की दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई इमोशनल इमोशनल धोखा मिलना, जैसे कि किसी दोस्त से आप बहुत उम्मीद लगा रहे थे, उसने धोखा दे दिया, या कोई प्रकार का बिट्रेयल होता है, लवर से धोखा मिलना, या कोई रिश्तेदार ने धोखा दे दिया, उसने एकदम अपनी बात से पलट गया, कुछ इस तरह की चीज़ें कई बार, या हार्ट संबंधित दिक्कत देता है। तो तीनों चारों में से कोई भी बात हो सकती है। और यहाँ पर अब देखिए ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, लेफ्ट हैंड क्या कहता है। एक चीज़ और बताएंगे, देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह का चिन्ह है, ये देखिए ये इस तरह का, ये पूरा नहीं बना है। अब देखिए कहने को तो देखने में तो ये मछली टाइप का लगता है, लेकिन हम इसको पूरी तरह मछली नहीं कह सकते जब तक ये कंप्लीट ना हो। देखिए कहने को तो ये दो क्रॉस भी लग रहे हैं, इस तरह से क्रॉस भी लग रहे हैं, और देखा जाए ध्यान से तो ये कुछ मछली नुमा चिन्ह भी बन रहे हैं। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। और अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड क्या कहता है। देखिए लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी हमने देखा था मस्तिष्क रेखा, देखिए सीधी है एकदम, और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। देखिए 35 के आसपास अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, और यहाँ पर भी ये 45 के बाद का समय जो है उसके आसपास डिस्टरबेंस है। और यहाँ पर भी हृदय रेखा टूटी हुई है, तो जैसे कि हमने देखा था कि वहाँ पर जो हमने बातें बताई दुख परेशानी की, तो वो चीज़ है, और थोड़ा सा इनको बच के रहना चाहिए। यहाँ पर भी भाग्य रेखा देखें, बीच में यहाँ पर शुरू हुई, फिर बीच में टूट गई, बिल्कुल गायब हो गई, और फिर यहाँ से चल रही है भाग्य रेखा। तो और यहाँ पर देखें तो ये बुध रेखा इतनी स्ट्रांग इस हाथ में नहीं दिखती है, हालांकि छोटी छोटी ये बुध रेखा स्वास्थ्य रेखा चल रही है, तो पेट संबंधित दिक्कतें, परेशानी होना, पेट संबंधित गड़बड़ होना, ये सब दिखता है। और एक चीज़ और है, ये देखिए यहाँ से एक ये रेखा इस तरह से आना, तो ये भी भाग्य रेखा का पार्ट है। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलना, तो कोई लेडीज से फायदा कराना, कोई लेडी लक लाइफ में होना, इस तरह की चीज़ें दिखती है। जब भी ऐसी रेखा यहाँ से निकलती है या इधर की ओर इशारा भाग्य रेखा करे, तो कई बार होता है कि माता का सपोर्ट, बहन का सपोर्ट, या शादी के बाद बीवी का भाग्य अच्छा मिलना, इस तरह की चीज़ें कोई भी हो सकती हैं। और हाथ में देखें इनके, अगर हम पर्वतों की बात करें तो शुक्र पर्वत अच्छा है, चंद्रमा यहाँ थोड़ा दबा हुआ है, गुरु सेम है, और जुपिटर इनका बुध भी अच्छा है। और भाग्य रेखा अगर हम उस हाथ में देखें तो उस हाथ में थोड़ी बेटर थी, इस हाथ में थोड़ी सी शाइनिंग कम है, उस हाथ में भाग्य रेखा ज़्यादा स्मूथ और शाइनी थी। और देखिए राइट और मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल यहाँ भी थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैट है उसके कंपैरेटिवली, और वहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल दोनों जगह सेम है। अब अगर हम दोनों हाथों का कंपैरिजन करें, देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो हमें हमारे परवरिश हमारे माता पिता से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद अपने बलबूते पर बनाते हैं। इनका राइट हैंड बेटर है। देखिए भाग्य रेखा वहाँ ज़्यादा चमकदार है, पर्वत भी मंगल का देखें तो ज़्यादा अच्छा है, चंद्रमा वहाँ ज़्यादा अच्छा है, और देखें तो मस्तिष्क रेखा भी वहाँ ज़्यादा लंबी दिखाई दी हमें। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड जो है परवरिश माता पिता देते हैं, जो रखरखाव माता पिता से मिलता है, लेकिन राइट हैंड अपने कर्मों द्वारा बनाया जाता है, तो राइट हैंड ज़्यादा बेटर है। अपने कर्मों द्वारा काफ़ी कुछ कर लेंगे, जीवन में बहुत कुछ बना पाएंगे, काफ़ी ग्रोइंग और प्रॉमिसिंग हैंड है।
ऐसे लोग जब तक जीवन है तब तक काम करना पसंद करते हैं और काफ़ी वर्कहॉलिक भी होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ तरक्की मिलती चली जाती है, उम्र के साथ साथ बढ़ोतरी करते चले जाते हैं। और जब ये 60 साल की उम्र में आते हैं तो ये लोग खुद देखते हैं कि आज से 40 साल पहले मेरे पास क्या था और आज मेरे जीवन में मेरे पास बहुत कुछ है, और अपनी मेहनत बलबूते पर ये आगे बढ़ के बनाते हैं। और अगर हम इनके हाथ की बात करें तो जीवन में अभी इन्होंने दुख भी देखी होंगी तो खुशियां भी देखी होंगी और आगे भी बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में जो कोई परेशानी है वो दूर हो और सभी इनकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।